हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। चौहार घाटी सीरीज़ के बाद आज शुरू करते हैं करसोग घाटी की एक मिनी सीरीज़, जिसमें करसोग के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आज की इस पहली वीडियो में हम शिमला से करसोग की बस यात्रा करेंगे। करसोग ज़िला मंडी का एक दुर्गम रीजन है। शिमला या मंडी दोनों ओर से जाने में करीब करीब बराबर ही दूरी है और टाइम भी सेम ही लगता है। तो हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे शिमला से और सुन्नी, तत्तापानी व चुराग से होते हुए करसोग जाएंगे। करसोग के मुख्य मंदिर जिनमें ममलेश्वर महादेव टेम्पल, कमाक्षा माता टेम्पल, चिंडी माता टेम्पल व नाग धमुनी के दर्शन भी आपको करवाएंगे। उसके बाद हम करसोग से पांगणा, पंडार व रोहांडा होते हुए सुंदरनगर तक की बस यात्रा भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये पहला पार्ट और शिमला से करसोग के सफ़र पर निकलते हैं। आज दिन है 2 फरवरी और मैं हूँ शिमला में। मैं चंडीगढ़ से वॉल्वो बस लेकर सुबह 7 बजे शिमला पहुँच गया हूँ। शिमला में पिछले 2 दिन अच्छी बर्फबारी हुई है और सुबह सुबह तो एकदम ठंड लग रही है। शिमला शहर के बाकी एरियाज़ के मुकाबले यहाँ टूटी कंडी की हाइट थोड़ी कम है, पर यहीं पर इतनी बर्फ़ है तो ऊपर की तरफ तो और भी ज़्यादा होगी। अभी सिर्फ चंडीगढ़ की तरफ जाने के लिए ही रोड खुला है, लेकिन इस तरफ भी ऐसी बर्फ़ जमी हुई है कि गाड़ियाँ स्किड हो रही हैं। ये हरिद्वार करसोग बस यहाँ पर खड़ी है, जिसका चलने का समय तो यहाँ से 5:30 बजे का था, लेकिन सड़क बंद होने की वजह से ये आगे नहीं गई। तो अभी मैं ना अपर शिमला की तरफ जा सकता हूँ ना करसोग की तरफ। वैसे उम्मीद है कि दोपहर तक यहाँ से करसोग के लिए वाया धामी होकर एक बस निकाल दी जाएगी, लेकिन अभी कुछ कन्फर्म नहीं है तो मुझे यहाँ पर अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। इस बार हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के लिए काफ़ी देर हो गई। दिसंबर और पूरा जनवरी ऐसे सूखे ही निकल गए। फरवरी की शुरुआत सही रही और पहाड़ों में पिछले 2 दिन काफ़ी बर्फ गिरी है। शिमला से आगे रोहडू व रामपुर की ओर जाने वाले नेशनल हाईवेज़ बंद पड़े हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि सिर्फ चंडीगढ़ शिमला हाईवे ही खुला है, लेकिन यहाँ शिमला के पास काफ़ी बर्फ़ है, जिसकी वजह से यहाँ पर चलना थोड़ा मुश्किल है। ये UTC की शिमला रुपैड़िया बस बड़ी मुश्किल से यहाँ तक निकल पाई है। तो अभी मुझे यहाँ पर इंतज़ार करते हुए 4 घंटे हो गए, लेकिन अभी बस के चलने की कोई जानकारी नहीं मिली है। फिर ये दिल्ली करसोग बस भी यहाँ पर पहुँच गई। शिमला से आगे करसोग जाने के लिए मुख्य रास्ता ढली, मशोबरा व नालदेरा होते हुए हैं, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। इसलिए अभी यही चांस है कि वाया धामी होते हुए कुछ बसेज निकाली जाएंगी, लेकिन उस रोड में भी टूटू और ढेंडा के पास काफ़ी बर्फ़ है, तो वहाँ भी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। करसोग डिपो के बस स्टाफ ने बताया कि उनकी कल रात करसोग से दिल्ली के लिए निकली बस भी बीच रास्ते में ही फंसी हुई है। अभी टाइम करीब 1 बज गया है और मुझे यहाँ पर वेट करते हुए 6 घंटे हो गए। अभी इतना कंफर्म हो गया है कि टूटू वाला रोड खुल गया है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा जाम है। तो थोड़ी देर में ये हरिद्वार करसोग बस को करसोग भेज दिया जाएगा। दिल्ली से आई बस यहीं पर रुकी रहेगी। दोनों बसेस की सवारियाँ क्लब कर दी गई हैं। ये हरिद्वार करसोग बस रात 8 बजे हरिद्वार से चलकर आती है और रात 1:30 बजे चंडीगढ़ से निकलकर सुबह 4:30 बजे तक शिमला पहुंचती है। शिमला में ये 1 घंटा रुकने के बाद 5:30 बजे यहाँ से निकलकर 11 बजे तक करसोग पहुंचती है, लेकिन आज यहाँ शिमला में ही इसे 7 घंटे रुकना पड़ा। इसके बाद फिर दोपहर 1:45 बजे के करीब हमारी बस शिमला से करसोग के लिए चलने लगी। वैसे तो नॉर्मली शिमला से करसोग के 5 से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन अभी अल्टरनेट रूट से होकर जाना पड़ेगा तो शायद ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
आज शिमला से सुबह की कोई भी बस अपने टाइम पर नहीं निकल पाई। टूटीकंडी बाईपास पर बर्फ जमी होने की वजह से बसेस बाहर नहीं जा पा रही, लेकिन आज अच्छी धूप खिली है तो सन फेसिंग एरिया में अभी बर्फ लगभग पिघल चुकी है और अभी बसेस अपने डेस्टिनेशंस की ओर निकल रही हैं। हालांकि ढली साइड से अपर शिमला की ओर जाने के लिए सड़क अभी पूरी तरह से बंद है। सुबह के समय तो इस सड़क पर काफ़ी बर्फ़ जमी हुई थी, लेकिन अभी दोपहर तक बर्फ साफ हो गई है। दिक्कत तो अभी उन पॉइंट्स पर होगी जहां पर धूप नहीं आती, क्योंकि वहां की बर्फ़ नहीं पिघलती और गाड़ियां मुश्किल से निकल पाती हैं। ऊपर जाखू मंदिर के आसपास तो अभी भी पेड़ों पर बर्फ़ दिखाई दे रही है। शिमला सिटी के आसपास की सड़कें तो आज शाम तक खुल सकती हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में शायद कुछ दिन और ऐसा ही हाल रहेगा। अभी हमारी बस यहां से लेफ्ट में NH 205 पर जाएगी और घनाटी से आगे 16 मील से फिर डाइवर्ट होगी। रामपुर किन्नौर जाने वाली बसेज भी उसी रास्ते से होकर जा रही हैं। सामने ये शिमला का हवाई अड्डा दिखाई दे रहा है। पिछले काफ़ी समय से यहाँ की उड़ानें बंद थी, लेकिन अभी यहाँ से दिल्ली की रेगुलर फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। टूटू से पहले फिर यहां सड़क पर बर्फ़ जमी हुई थी। हालांकि विभाग द्वारा मिट्टी डालकर थोड़ा ग्रिप बनाने की कोशिश की है, लेकिन यहां पर स्पीड एकदम धीमे रखनी होती है ताकि आपको ब्रेक मारने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यहां पर ब्रेक मारी तो स्किड होने का खतरा रहता है। रात के समय तो यहां पर बहुत ज़्यादा ध्यान से चलना पड़ता है, क्योंकि आपको सड़क पर जमी बर्फ़ का अनुमान ही नहीं लग पाएगा। बर्फ़बारी के बाद जब मौसम साफ़ होता है तब रात में सड़कों पर पानी भी जम जाता है, तो ऐसे में बर्फानी इलाकों में बहुत ज़्यादा सजग होकर चलना पड़ता है। टूटू तक तो हमारी बस पहुंच गई। अभी आगे 4-5 किलोमीटर का रास्ता और है जहां बर्फ़ होगी, उसके बाद फिर ठीक होगा। लेकिन टूटू से आगे निकलते ही हमें लंबा जाम मिल गया। बहुत सी बसेज यहाँ पर फंसी हुई थी, हमारी बस भी यहाँ पर लाइन में खड़ी हो गई। यहाँ पर हमें करीब आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा और उसके बाद फिर धीरे धीरे बस आगे सरकने लगी। ये शिमला धर्मशाला बस भी हमारे पीछे पीछे चल रही है और ये इस तरफ से पालमपुर शिमला बस आ रही है, जो कल रात पालमपुर से निकली और सुबह तड़के से यहाँ पर फंसी हुई थी। शिमला में कल रात को ही बर्फ़ गिरी है, जिसकी वजह से तमाम सड़कों पर फिसलन हो गई है और सड़कें बंद हो गईं। ये शिमला बिलासपुर रोड भी अभी अभी खुला है, इसीलिए शिमला से इस तरफ जाने वाली बसेज एक साथ निकल रही हैं। देर रात या सुबह शिमला पहुंचने वाली बसेज यहां घनाटी के आसपास ही फंसी हुई हैं। सैकड़ों यात्रियों ने बसेज में बैठकर ही सरद रात गुजारी। सुबह अधिकतर लोग पैदल ही आगे शिमला की ओर निकल गए, क्योंकि यहां से ना बसेज निकल पा रही हैं ना दूसरी कोई गाड़ी आ पा रही है। अभी रास्ता थोड़ा चलने लायक हुआ है तो सभी बसेज यहां से शिमला की ओर जा रही हैं। एक करसोग दिल्ली बस निकली, जो कल शाम करसोग से चली थी और पूरी रात यहाँ पर फंसी रही।
अभी इस बस को शिमला से आगे हरिद्वार भेजा जाएगा और दिल्ली जाने वाली बस तो आज करसोग से आ ही रही है। हमारी बस का हरिद्वार वाला रूट बोर्ड भी वो ले गए और उनकी बस का दिल्ली करसोग बोर्ड हमारी बस पर लगा दिया है। ये रामपुर डिपो की बसेज भी वाया बसंतपुर धामी होते हुए आ रही हैं। आगे फिर 16 मील से हमारी बस NH 205 को छोड़कर राइट में धामी की ओर मुड़ गई। आगे अब सड़क सिंगल लेन है। जल्दी ही फिर हम पहुंच गए धामी। सड़कें तंग हैं और सारा ट्रैफिक भी यहीं से होकर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा जाम लग गया है। धामी हिमाचल प्रदेश की एक पुरानी रियासत हुआ करती थी और इसका इतिहास हिमाचल प्रदेश बनने से भी पुराना है। धामी की राजधानी हलोग में हुआ करती थी और आज भी यहाँ पर तत्कालीन किलों को देखा जा सकता है। आज़ादी से पहले धामी एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी और यहाँ अलग अलग राजाओं ने राज किया है। शायद आपने धामी गोली कांड के बारे में भी सुना होगा। 1939 में धामी रियासत के लोग अपनी कुछ अहम मांगों को लेकर समूह में धामी की तरफ जा रहे थे, लेकिन जब राजा को इस बारे में पता चला तो उसने उस जत्थे के मुखिया को ही गिरफ्तार कर लिया। इससे लोगों में आक्रोश और बढ़ गया और उन्होंने राजा की सेना से मुकाबला करते हुए राजा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। तब घबरा कर राजा ने उन पर गोली चलाने के आदेश दे दिए, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी। ये उस समय की पहाड़ी रियासतों की पहली ऐसी घटना थी। इसकी वजह से देश भर में इस गोलीकांड की निंदा हुई और जांच बिठा दी गई। धामी से आगे फिर लगातार उतराई है। आजकल यही रोड किन्नौर व रामपुर से बाहर आने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि ये सड़क पूरी सिंगल लेन है और दो बड़े वाहनों को पास लेने में आगे पीछे होना ही पड़ता है। थोड़ा और आगे जाकर फिर हम इस तंग सी घाटी में नदी के पास पहुंच गए और यहां पर बस रुक गई, क्योंकि आगे किन्नौर जाने वाली दो तीन बसेज एक साथ जा रही हैं और वो भी आगे पास लेने के लिए रुकी हुई हैं। इसलिए हमारे ड्राइवर साहब ने यहां बस को पहले ही खुली जगह में रोक दिया। जल्दी ही फिर वो सभी बसेज निकली और यहाँ ऊपर पहुँच गई हैं। हमें भी अभी वहीं से होकर जाना है और आगे अब शायद चढ़ाई है। ये चंडीगढ़ रिकांगपियो डीलक्स बस है। कल शाम व रात को चंडीगढ़ से रामपुर या रिकांगपियो जाने वाली सभी बसेज शिमला में रुकी थी। सवारियां भी वहीं पर वेट कर रही थीं। अभी सुबह जो बसेज चंडीगढ़ साइड से आई हैं उनको क्लब करके कुछ बसेज को आगे भेजा गया है। जल्दी ही फिर हमारी बस भी यहां से आगे चल पड़ी। यहां पर हमारी बस के ड्राइवर भी चेंज हो गए हैं।
लगातार चढ़ाई चढ़ते हुए अब हम दोबारा हाइट पर आ गए हैं। थोड़ा ही आगे चलकर हम शिमला सुन्नी मेन रोड पर पहुंच जाएंगे जो वाया मशोबरा होकर आता है। नीचे ये सतलुज नदी दिखाई देने लगी है और नदी से सटा वो शहर है सुन्नी। यहाँ से इस सतलुज घाटी का काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देता है। और अभी हम शिमला सुन्नी मेन रोड पर पहुँच गए हैं। वाया धामी आने में हमें करीब एक घंटा अधिक लग गया। अभी शाम ढल रही है और ठंड भी लगने लगी है। फिर हम पहुंचे बसंतपुर। बसंतपुर शिमला से काफ़ी नीचे आकर बसा है, इसीलिए यहां तक बर्फबारी नहीं होती या हार्डली कभी होती होगी। आगे हमें सुन्नी तक लगातार उतराई उतरनी है जो कि सतलुज नदी के किनारे पर है। हमारे आगे ये रामपुर डिपो की बस चल रही है जो कि कालका सराहन रूट पर जा रही है। अभी ये बस थोड़ा आगे चलकर राइट में डाइवर्ट हो जाएगी और सतलुज नदी के साथ साथ चलते हुए आगे सैंज में NH-05 में मिल जाएगी। ये रिब्बा चंडीगढ़ बस भी उसी रूट से होकर आई है और अभी शिमला की ओर जा रही है। यहाँ से फिर रामपुर डिपो की बस राइट में मुड़ गई और हमें सीधे सुन्नी व तत्तापानी की ओर जाना है। आगे से ये करसोग शिमला बस भी आ रही है। थोड़ा और आगे चलकर फिर आता है ये सुन्नी बस स्टैंड। सुन्नी का ये छोटा सा बस स्टैंड है लेकिन यहाँ पार्किंग स्पेस काफ़ी ज़्यादा है जो कि इस एरिया के हिसाब से परफेक्ट है। वैसे मेन सुन्नी शहर थोड़ा आगे चलकर है लेकिन बस स्टैंड यहाँ शहर के बाहर बनाया गया है। हमारी बस यहाँ पर 2-4 मिनट के लिए रुकी। सवारियाँ तो आगे सुन्नी मार्केट में जाकर ही उतरेंगी पर कंडक्टर साहब को यहाँ पर एंट्री करवानी होती है। सुबह से यही पहली बस है जो शिमला से इस तरफ आई है। सुन्नी शिमला ग्रामीण रीजन का एक बड़ा शहर है। सतलुज घाटी में इस तरफ काफ़ी आबादी बसी हुई है और सुन्नी यहाँ का मुख्य बाज़ार है। यहाँ पर सभी विभागों के दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ATM, पेट्रोल पंप जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। राइट साइड सतलुज नदी व कोल डैम की झील है। कोल डैम से पहले यहाँ नदी काफ़ी नीचे होकर बहती थी लेकिन डैम के जलभराव के बाद झील काफ़ी ऊपर तक आ गई। सामने है तत्तापानी जो कि हॉट स्प्रिंग्स के लिए फेमस है और एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी है। यहाँ झील में वाटर एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं। और इसके बाद इस पुल व नदी को पार करके हम पहुंच जाएंगे ज़िला मंडी में। तत्तापानी पहुंचते ही सबसे पहले ज़िला मंडी का स्वागत बोर्ड आता है। लेफ्ट में यहां HRTC बसेस का स्टॉप है। इसके साथ ही ये तत्तापानी की छोटी सी मार्केट है। तो हमारी बस यहाँ शर्मा भोजनालय में चाय पानी के लिए रुक गई। मैंने भी यहाँ पर गर्मा गर्म पकौड़े खा लिए। सुबह से कुछ ढंग का खाया नहीं है और यहाँ भी मुझे गर्मा गर्म पकौड़े ही सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन लगा।
तत्तापानी नाम से ही इसके अर्थ का पता चल जाता है। तत्ता यानी गर्म, पानी तो पानी ही है। यहाँ पर सल्फर हॉट स्प्रिंग्स हैं यानी गर्म पानी के चश्मे। इस जगह का धार्मिक महत्व भी काफ़ी है और इसे ऋषि जगदम्बनी की तपोस्थली भी माना जाता है। हालांकि सतलुज नदी पर कोल डैम बनने के बाद यहाँ विशाल झील बन गई और अधिकतर गर्म पानी के चश्मे पानी में डूब गए और कुछ एक ही यहाँ पर बचे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था यहाँ बरकरार है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ 3 दिन का विशाल मेला आयोजित होता है जिसमें प्रदेश व बाहरी राज्यों के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के पानी में स्नान करने से कई बीमारियों जैसे जोड़ों के दर्द, चमड़ी के रोग आदि से छुटकारा मिलता है। झील बनने के बाद यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ भी शुरू कर दी गई हैं। तो 15-20 मिनट यहाँ रुकने के बाद फिर हमारी बस आगे करसोग की ओर चल पड़ी। टाइम तकरीबन 6:30 हो रहे हैं और अंधेरा भी हो गया है। शिमला से करसोग आने के लिए पहले शिमला की ऊंचाई से सतलुज नदी की गहराई तक नीचे आना पड़ता है और इस तरफ दोबारा से चढ़ाई चढ़ रहे हैं। रास्ता एकदम सिंगल लेन है, रात हो गई है तो गहरी खाई दिखाई नहीं दे रही, वरना ये सड़क भी काफ़ी खतरनाक है। और आगे से ये करसोग दिल्ली बस भी आ गई। ये बस शाम 5 बजे करसोग से चलती है और अभी उसी रास्ते से शिमला व आगे चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली जाएगी। दिल्ली से करसोग आने का समय रात 10:30 बजे का है और ऐसी तंग सड़क पर बस से पास लेना भी काफ़ी मुश्किल काम है, वो भी रात को। तत्तापानी से हम 1 घंटे तक लगातार चढ़ाई चढ़े और अब फिर से ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। यहां सड़क के आसपास बर्फ दिखना भी शुरू हो गई है। जल्दी ही फिर हम पहुंच गए धर्मौड़। यहां से थोड़ा आगे खील कुफरी नामक जगह से श्री मूल माहूनाग जी के लिए भी रास्ता जाता है, लेकिन अभी वहां पर काफ़ी बर्फ़ है और करीब 1 हफ्ते तक वहां बस नहीं पहुंच पाएगी। थोड़ा और आगे चलकर फिर आता है चुराग, जो कि इस लाइन का एक बड़ा कस्बा है।
अभी हम पहाड़ के ऊपर ऊपर ही चल रहे हैं, यानी ज़्यादा चढ़ाई या उतराई वाला स्ट्रेच नहीं है। आगे चिंडी तक हमें ऐसे ऊपर ऊपर ही जाना है। यहाँ चार कुफरी से लेफ्ट में रोड पांगना होते हुए आगे सुंदरनगर की ओर निकल जाता है। हमें करसोग के लिए राइट वाले रोड पर जाना है। इसके बाद आता है चिंडी। चिंडी एक काफ़ी खूबसूरत जगह है और यहाँ पर चिंडी माता का भव्य मंदिर भी बना हुआ है। वो मंदिर हम आपको इससे अगले पार्ट में दिखाएंगे। चिंडी में हिमाचल प्रदेश टूरिज्म का दी ममलेश्वर होटल भी है। चिंडी से थोड़ा ही आगे आता है बखरोड। बखरोड से लेफ्ट में सुंदरनगर मंडी के लिए रास्ता जाता है। पीछे जो चार कुफरी से सड़क गई वो भी आगे जाकर इसी में मिल जाती है। बखरोड से आगे करसोग तक हमें अब उतराई उतरनी है। करसोग कंपैरेटिवली कम ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद हम पहुंच गए सनारली। लुहरी व रामपुर के लिए आगे सीधे जाना होता है और करसोग के लिए यहां से राइट में मुड़ना है। करसोग बस स्टैंड यहां से 3 किलोमीटर दूर है। फाइनली फिर 8:30 बजे हम करसोग नगर पंचायत सीमा में पहुंच गए। शिमला से यहां तक आने में हमें आज 7 घंटे लग गए। थोड़ा ही आगे चलकर आ जाता है करसोग का बस स्टैंड। यहाँ फिर सभी सवारियाँ बस से उतर गईं और बस साइड में पार्क हो गई। अभी मुझे यहाँ पर कोई होटल देखना है और आराम से सो जाना है, क्योंकि पिछली रात को भी सही से नहीं सोया था और आज शिमला से यहाँ तक आने में भी पूरा दिन लग गया। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। करसोग की बाकी बातें जानेंगे हम इससे अगले पार्ट में, और आपको करसोग के फेमस ममलेश्वर महादेव मंदिर, कामाख्या माता मंदिर और चिंडी माता के दर्शन भी करवाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इससे अगले पार्ट में। धन्यवाद।